सीधे दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां गेम्स की शुरुआत करने के बाद में मुख्यमंत्री आतिशी संबोधन दे रही हैं। अलग स्पोर्ट्स में, चाहे वो बैडमिंटन में हो, चाहे वो खो खो में हो, चाहे वो मैराथन रनिंग में हो, चाहे वो रिले रनिंग में हो, हम तो यहां पर आपका सिर्फ एक परफॉर्मेंस देखेंगे। और जब आप लोग मार्च पास्ट कर रहे थे, या जब आप लोग रिले रेस दौड़ेंगे, या जब आप लोग खो खो खेलेंगे, तो हमें आप उस 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन उस 10 मिनट के खेल के पीछे, उस 10 मिनट के मार्च पास्ट के पीछे महीनों और सालों की तैयारी है, वो शायद हमें इतनी आसानी से नहीं दिख रही। और ये शायद स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स करने के लिए, स्पोर्ट्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटी नहीं है। आप में से जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, स्कूल लेवल पर खेलते हैं, जोनल लेवल पर खेलते हैं, स्टेट लेवल पर खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो बच्चे आज यहां पर बैठे हैं उनमें से कई बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएंगे, लेकिन आपके इस कॉम्पिटिटिव जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके पीछे सालों की मेहनत है। जब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे घर में सो रहे हो, जब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे घूमने जा रहे हो, तो जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो आज इस दिल्ली गेम्स में, हमारे स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, आराम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो एक बार अपने सारे दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2024-25 के पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां, आपकी जो मेहनत रही है जो आपको आज यहां तक लेकर आई है। आज यहां पे छत्रसाल स्टेडियम भरा हुआ है, और जो सारे स्टूडेंट्स यहां पे मौजूद हैं, जो मार्च पास कर रहे हैं, जो ऑडियंस में हैं, जो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में जब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ेंगे, जब हम एशियन गेम्स के बारे में सुनेंगे, जब हम ओलंपिक्स के बारे में सुनेंगे, तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज जो बच्चे छत्रसाल स्टेडियम में से हैं, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स एशियन गेम्स में भी मेडल जीत कर आएंगे, ओलंपिक गेम्स में भी मेडल जीत के आएंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। हमने दिल्ली सरकार में पूरी कोशिश करी है कि जो जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें, जो जो स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ना चाहें, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की कोचिंग, आपके स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट कई बारी बहुत महंगी भी होती है। हमारे जो बच्चे, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सिंपल परिवारों से, बहुत आम परिवारों से आते हैं, लेकिन टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता। टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है, गरीब परिवार से है। चाहे बच्चा अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, वो एक शानदार स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। और आपके जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम कई सालों से चलाई है, जिसमें 17 साल तक के स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम 2 से 3 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनकी कोचिंग के लिए। और 2018 से लेके 2022 तक 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम के तहत सपोर्ट मिला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मिलेगा। दूसरा, हमारे मन में एक सपना है कि दिल्ली से जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो ना सिर्फ दिल्ली का नाम रोशन करें बल्कि देश का नाम रोशन करें, देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएं। और ऐसे ही टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए एक मिशन एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत की गई है, जहां पर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को 16 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है,
उनकी कोचिंग के लिए, उनकी डाइट के लिए, उनकी इक्विपमेंट के लिए। पिछले 4 साल में 400 ऐसे एथलीट्स को 25 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि वो आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स में एक्सेल करें। ना सिर्फ इतना, हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत करी, क्योंकि अगर हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है तो ट्रेनिंग तो बच्चों की एक छोटी उम्र से शुरू होनी पड़ेगी। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हमने वाइस चांसलर बनाया, उस स्कूल का हेड बनाया, हमारी देश की ओलंपियन कर्णम मलेश्वरी जी, और उनकी लीडरशिप में 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स में कई स्कीमों का भी ऐलान किया गया है जो कि बच्चों के लिए लाभकारी साबित होंगे।